कोंडागांव पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1050 किलो गांजे के साथ दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नाकेबंदी कर जगदलपुर से रायपुर की तरफ जा रहे वाहन की जांच की, जिसमें 206 पैकेट गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 2,10,00,000 रुपए आंकी जा रही है। आरोपियों के पास से 1,500 रुपए के साथ मोबाइल फोन भी जब्त हुआ है। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई में कल कोंडागांव पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें करीब 2,10,00,000 का गांजा जब्ती हुआ है। गांजा करीब 1,050 किलो गांजा प्राप्त हुआ है। 1,050 किलो गांजा करीब 2,10,00,000 कीमती बरामद किया गया। उनके विरुद्ध 20B NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई और दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।